Hi friend, you are most welcome in my YouTube channel. Today I discuss some important antonyms. So let's begin. First one is outmoded. Outmoded, outmoded, outmoded मतलब जो अप्रचलित हो, तो इसका antonyms हो जाएगा fashionable. Next one is condense, condense, condense मतलब गाढ़ा करना, तो expand, expand, expand मतलब पतला करना. Next one bridge, 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 bridge मतलब pull, तो इसमें divide, release, bind, open, इसका synonym antonym हो जाएगा open. Next one is truncule, T-R-A-N-Q-U-I L, ट्रंकल मीन शांत, तो शांत का एजिटेटेड, एजिटेटेड मतलब अशांत, उत्तेजित. नेक्स्ट वन इज इंडल्ज, आई एन डी यू एल जी ई, इंडल्ज मतलब लिप्त होना, तो अबेस्टेन, ए बी एस टी ए आई एन, अबेस्टेन मतलब निर्लिप्त होना. नेक्स्ट वन इज मेलफॉर्म्ड, एम ए एल एफ ओ आर एम ई डी, मेलफॉर्म्ड मतलब विकृत, तो इसका सना एंटोनियम हो जाएगा शेपली, एस एच ए पी ई एल वाई, शेपली मतलब जो शेप में हो. नेक्स्ट वन इज नॉलेज, के एन ओ डब्ल्यू एल ई डी जी ई, नॉलेज मतलब ज्ञान, तो इसका हो जाएगा इग्नोरेंस मतलब अज्ञानता, आई जी एन ओ आर ए एन सी ई. इलिटरेसी मतलब जो साक्षर ना हो, निरक्षर, तो इसका एंटोनियम लिटरेसी हो जाएगा. फुलिशनेस मतलब मूर्खता, बैकवर्डनेस मतलब पिछड़ापन. नेक्स्ट वन इज डी जनरेट, डी जनरेट, डी ई जी ई एन ई आर ए टी ई, डी जनरेट मतलब पतित, तो इसका एंटोनियम हो जाएगा प्रोग्रेस, पी आर ओ जी आर ई डबल एस. नेक्स्ट वन इज नैडिर, एन ए डी आई आर, डी आई आर, नैडिर मतलब पतन, तो इसका सिनोनियम हो जाए एंटोनियम जेनिथ, जेड ई एन आई टी, जेनिथ मतलब ऊंचाई या प्रोग्रेस. ऑफिशियल, ओ डबल एफ आई सी आई ए एल, ऑफिशियल, ऑफिशियल मतलब जो ऑफिशियल वर्क हो, तो इसका एंटोनियम प्राइवेट, पी आर आई वी ए टी ई. हॉली, एच ओ एल वाई, हॉली, हॉली, हॉली का एंटोनियम सिंपल. ऑफेंसिव मतलब ऑफेंसिव, आक्रामक, ऑर्थोडॉक्स, रूढ़िवादी हो, तो इसका एंटोनियम हो जाएगा सिंपल. स्पूरियस, स्पूरियस मतलब जाली या नकली, तो इसका एंटोनियम होगा जेन्यून, जी ई एन यू आई एन ई, जेन्यून, जेन्यून मतलब सच्चा या असली. फॉल्स मतलब गलत, सिंपल, साधारण. सिस्टमैटिक मतलब जो सिस्टम से हो, बिल्कुल सिस्टमैटिक हो, क्रमबद्ध हो. नेक्स्ट वन इज लिशोम, एल आई डबल एस ओ एम ई, लिशोम, लिशोम मतलब लचकदार या मॉडेस्ट, तो इसका एंटोनियम हो जाएगा अनगेनली, अनगेनली मतलब भद्दा. नेक्स्ट वन इज डी बॉसी, डी ई बी ए यू सी एच डबल ई, डी बॉसी, डी बॉसी मतलब विलासी, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, इसमें फोर ऑप्शन है, मॉरलिस्ट, स्कीमर, थिंकर, ड्रीमर, तो इसका एंटोनियम होगा मॉरलिस्ट. एलेविएशन, ए डबल एल ई वी आई ए टी आई ओ एन, एलेविएशन मीन्स उन्मूलन, तो इसका एंटोनियम होगा एक्सएस्पिरेशन, ई एक्स ए एस पी ई आर ए टी आई ओ एन, एक्सप्रेशन मतलब झुंझलाहट या क्रोध. एक्सग्रेशन मतलब अतिशयोक्ति, ई एक्स ए डबल जी ई आर ए टी आई ओ एन, एक्सग्रेशन मतलब अतिशयोक्ति. मैग्निफिकेशन मतलब शानदार. इंटेंसिफिकेशन, इंटेंसिफिकेशन मतलब भावुकता या गहनता. नेक्स्ट वन इज मिटिगेट, एम आई टी आई जी ए टी ई, मिटिगेट, मिटिगेट मतलब कम करना, तो इसका हो जाएगा एग्रावेट मतलब बढ़ाना. मीनियन, एम आई एन आई ओ एन, मीनियन, मीनियन का मतलब होता है सर्वेंट, नौकर,
तो इसका एंटोनियम मास्टर, गॉबलिन, GOBLIN, गॉबलिन, गॉबलिन मतलब राक्षस, तो इसका एंटोनियम हो जाएगा एंगल, एंगल मतलब देवदूत, हर्मिट, पायलट, ट्रेवलर, ये सब आप लोग समझते हैं। लैंग्यूड, LANGUID, लैंग्यूड, लैंग्यूड मतलब निस्तेज, तो इसमें हो जाएगा निस्तेज का। इनर्जेटिक मतलब तेजस, इनर्जेटिक मीन्स होता है तेजस, और लैंग्यूड मतलब निस्तेज, तो इसका अपोजिट हो जाएगा इनर्जेटिक। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट वन इज कॉम्पली, COMPLY, कॉम्पली, कॉम्पली मीन्स आज्ञा पालन करना, तो इसका एंटोनियम हो जाएगा रिफ्यूज, REFUSE, बक, BAULK, बक, बक मीन्स अवरोध, तो इसका एंटोनियम इनकरेज, ENCOURAGE, इनकरेज इसका एंटोनियम हो जाएगा। सो इन दिस वीडियो आई हैव कंप्लीटेड 21 एंटोनियम्स, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप ऑन वॉचिंग फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।